दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। आज 27 जून सन 2022 बाजार के सितारों में आपका स्वागत अभिनंदन। हर रोज की तरह आज के शो में बाजार आपका राशिफल, शेयर बाजार में होने वाली हलचल, कृषि जिंसों में क्या संभावना है, साथ साथ चर्चा करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5 और 9, यानी मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियां। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3, 7, 11 जी हाँ, वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दिन आपके लिए संभवतः मुफीद ना लें ना रहे, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। जल तत्व की राशियां हैं मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। ये था आज का राशिफल। अब एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। एग्रो कमोडिटीज के अंदर गवार सीड आज उतार चढ़ाव देख सकता है, कुल मिला के रुख कमजोरी का ही नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव रुख दिखा सकता है, सकारात्मक रुख दिखा सकता है, वो है धनिया। मसालों के अंदर धनिया और लाल मिर्च में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। सब्जियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है प्याज यानी ओनियन। ओनियन के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों ये था एग्रो कमोडिटीज पर आज का विश्लेषण, आकलन एवं रिसर्च। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। शेयर बाजार के अंदर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि रशिया यानी रूस ने पेमेंट्स के मामले में डिफॉल्ट हो गया है और कुछ महत्वपूर्ण पेमेंट में डिले या नकार हो सकती है। इसका प्रभाव आने वाले कुछ समय में ग्लोबल मार्केट में पड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के चलते यूरोपियन मार्केट ने रूस को काम देना बंद किया है और उसे कच्चा तेल, नेचुरल गैस और खदानों की आपूर्ति अमेरिकन इंस्ट्रक्शन के आधार पर रोक दी है। नीटो पर ने भी रूस का लगातार विरोध जारी है। रूस के ऊपर जो लगी प्रतिबंध है उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आज शेयर बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। बैंकिंग, मेटल, ऑयल एंड गैस जैसे स्टॉक्स के अंदर कुछ खरीदारी लौटने की संभावनाएं बन रही हैं। आप नजर रख सकते हैं ONGC के ऊपर, ऑयल एंड गैस सेक्टर का अग्रणीय कंपनी। साथ साथ आप नजर रख सकते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स जैसे नेशनल फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर, इन पे भी नजर रखनी उचित रहेगी। इसके अतिरिक्त आप रिलायंस के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था शेयर बाजार में आज का विशेष आकलन। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनती हैं। नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर फेरस और नॉन फेरस धातुओं ने जबरदस्त गिरावट पिछले कुछ सप्ताह में देखी गई है। अब एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक संभवतः इसके अंदर कुछ बाउंस बैक होने की संभावनाएं बढ़ सकती है और मेटल में कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील के अंदर तेजी की संभावना आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में बन सकती है। तो शॉर्ट करने से बचना चाहिए और अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको ये सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी आप राय कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।